पहली तम त्वा योमि ब्रह्मण, उस तुझ परमात्मा को मन से प्राप्त होता हूँ। दो मनस्यः नमस्ते, तू ही एक नमस्कार करने योग्य है। तीन विक्षु इड्डयः, सब जगत में तू ही प्रशंसा करने के लिए योग्य है। चार सुसेवः, तू ही उत्तम सेवा के लिए योग्य है। इन चार मंत्र भागों के मन से मानस पूजा की विधि ज्ञात होती है। प्रभु के गुणों का मन से मनन करना, दो उसी को मन से नमन करना, तीन प्रत्येक पदार्थ में तथा प्राणी मात्र में उसका दर्शन करना, और चार सब कर्म उसकी सेवा करने के लिए करना। ये चार भाग उस प्रभु की उपासना के हैं। इन चार भागों में से जितने भागों का अनुष्ठान हुआ होगा, उतनी उपासना उतने ही प्रमाण से हुई है, ऐसा मानना चाहिए। पाठक विचार करें और अपनी उपासना की परीक्षा इस कसौटी से करें। हर एक मनुष्य अपने आप को परमात्मा का उपासक मानता ही है, परंतु इससे जो उपासना हो रही है वह इस वैदिक मानस उपासना की उक्त कसौटी से किस सीढ़ी पर गिनी जा सकती है, वह भी देखना चाहिए। इस दृष्टि से ये चार मंत्र भाग विशेष ही महत्व रखते हैं। मनन नमन सर्वत्र दर्शन और सेवन, ये चार नाम संक्षेप से मानस उपासना के चार अंगों के दर्शक माने जा सकते हैं। पहला मनन से परमात्मा के महत्व की मन में स्थिरता होती है, इसी दृष्टि से इसकी अत्यंत आवश्यकता है। दूसरी नमन, जब मन से उसका महत्व ज्ञात हुआ तब स्वभावतः ही मनुष्य उस प्रभु के सामने लीन होता है, मन के पश्चात ही यह स्वाभाविक ही अवस्था है। तीन दर्शन मनन से ही उसकी सार्वत्रिक सत्ता का भी अनुभव होता है, स्थिर चर में एक रस व्यापक होने का साक्षात्कार होने की यह तीसरी उच्च अवस्था है। जगत के अंदर प्रभु का ही सर्वत्र साक्षात्कार इस अवस्था में होता है। ये तीनों मानसिक क्रियाएं हैं, इसके पश्चात यह भक्त अपने आप को परमात्मा के परम यज्ञ में समर्पण करता है, यह सेवा अवस्था है। ये तीनों मानसिक क्रियाएं हैं, इसके पश्चात यह भक्त अपने आप को परमात्मा के परम यज्ञ में समर्पण करता है, वह सेवा अवस्था है। चार सेवन, यह इस अवस्था में उसका सेवक बनता है। सेवन और भजन ये दोनों शब्द समान अर्थ के ही हैं। सेवन और भजन एक ही अर्थ बताते हैं, प्रभु के कार्य के लिए अपने आप को समर्पित करना, यही भक्ति या सेवा है। दीनों का उद्धार करना, साधुओं का परित्राण करना, सज्जनों की रक्षा करना, दुर्जनों को दूर करना, यही परमात्मा के कर्म हैं। इन कर्मों को परमात्मा अर्पण बुद्धि से करने का नाम ही उसकी भक्ति या सेवा है। नामस्मरण, नामस्मरण का भी यही तात्पर्य है, जैसा हरि ही अर्थात दुखों का हरण करने वाला देव है, इसीलिए मैं भी दुखितों का दुख यथाशक्ति हरण करूंगा और दूसरों को सुख देने के कर्म से ईश्वर की सेवा करूंगा। राम आनंद देने वाला ईश्वर है, इसीलिए मैं भी दीन दुखी मनुष्यों या प्राणियों की पीड़ा दूर करने के यत्न द्वारा परमात्मा की भक्ति या सेवा करूंगा। नाम स्मरण का यही उद्देश्य है। यद्यपि आजकल केवल नाम का ही स्मरण ही रहा है और उससे प्राप्त होने वाला कर्तव्य का पालन नहीं होता, तथापि वस्तुतः इससे महान कर्तव्य सूचित होते हैं। यह पाठक विचार से जाने और परमेश्वर के इतने नाम कहने का मुख्य उद्देश्य समझ ले। अनेक ग्रंथ पढ़ने से जो कर्तव्य नहीं समझता, वह एक नाम के मनन से समझ में आता है, इसीलिए वेदादि ग्रंथों में परमात्मा के अनेक नाम दिए होते हैं और वे सब बड़े मार्गदर्शक हैं, परंतु देखने वाला और कर्म करने वाला भक्त चाहिए। अस्तु, ईश्वर उपासना के ये चार भाग हैं, इसका अधिक विचार पाठक करें और इस मार्ग से चलें, यही सीधा सरल और अति सुगम मार्ग है।
ब्रह्म उपासना का फल पूर्वोक्त प्रकार मानस उपासना करने से जो फल प्राप्त होता है उसका वर्णन भी इन मंत्रों में पाठक देख सकते हैं। पहला, तम त्वा योमि, परमेश्वर के साथ मिलना, ब्रह्मरूप अवस्था प्राप्त करना। दो, देवस्य हरसह अव्यात, परमात्मा सब महापीड़ाओं को दूर करने वाला है, इसीलिए सब पीड़ा उसकी प्राप्ति से दूर हो जाती है। तीन, मृडात, वह आनंद देता है। इन शब्दों के मनन से पाठकों को पता लग जाएगा कि उपासना का फल परमानंद प्राप्ति ही है। वह प्रभु सचिदानंद स्वरूप होने से उसके साथ मिल जाने से वही आनंद उपासक में आ जाता है और जितनी उपासना की दृढ़ता और पूर्णता होती है उतना वह आनंद दृढ़ और पूर्ण होता है। यह फल प्राप्त करने का ही पूर्वोक्त वैदिक मार्ग है। यहाँ पहले दो मंत्रों का विचार हुआ है, इसके पश्चात के तीन मंत्रों का वर्णन ठीक प्रकार समझने में आने के लिए उस वर्णन को प्रथम अपने शरीर में अनुभव करना चाहिए और पश्चात वही भाव विशाल जगत में देखना चाहिए। अपने अंदर की जीवन शक्ति, इससे पूर्व बताया गया कि जल तत्व के आश्रय से कार्य करने वाली प्राण शक्ति या जीवन शक्ति ही अप्सरा शब्द से इस सूक्त में कही है। इसका वर्णन देखिए। पहली, कलंदा अर्थात पुकारने वाली, बुलाने वाली, प्रेरणा देने वाली प्राण शक्ति अथवा जीवन शक्ति प्राणियों को प्रेरित करती है, इसका अर्थ वाचक यह नाम है। दो, तमिषी, चयह, गलानी अथवा थकावट को दूर करने वाली है, थकावट को हटाने वाली प्राण शक्ति है। जो उत्तम प्राणी मात्र में है वह प्राण शक्ति का ही है। प्राणायाम से भी उत्साह बढ़ने और थकावट दूर होने का अनुभव है। तीन, अक्षह कामह, आँखों की कामना पूर्ण करने वाली। पाठक देखें कि जब तक शरीर में प्राण रहता है तभी तक शरीर और आँखों को तृप्त कर सकता है। मुर्दा देखकर किसी मनुष्य के आँख तृप्त नहीं होते, इससे आँखों की तृप्ति प्राण शक्ति से होती है, यही स्पष्ट है। चार, मनोह मोह, मन को मोहित करने वाली, इसका भाव भी उक्त प्रकार ही है। ये चार शब्द शरीर में प्राण शक्ति अथवा जीवन की शक्तियों के वाचक हैं। पाठक इन शब्दों के अर्थों का अनुभव अपने अंदर करें। इनको मंत्र पांच में गंधर्व पत्नी अप्सरा कहा है। गंधर्व इस शरीर के अंदर जीवात्मा है और उनकी पत्नीये जीवन शक्ति अथवा प्राण शक्तियां हैं। प्राण जल तत्व के आश्रय से रहता है, इसीलिए जलाश्रित होने के कारण अपह जमा सर यह शब्द प्राण में अत्यंत सार्थ होता है। इन प्राण शक्तियों को नमन पंचम मंत्र में किया है। प्राण के अधीन सर्व जगत है, यह देखने से प्राण का महत्व जाना जाता है। पाठक भी अपने शरीर में प्राण का महत्व देखें। प्राण रहने तक शरीर की शोभा कैसी होती है और प्राण जाने के पश्चात शरीर की कैसी अवस्था हो जाती है, इसका मनन करने से अपने शरीर में प्राण का महत्व जाना जा सकता है। जो नियम एक शरीर में है वही सब शरीरों के लिए है। इस प्रकार प्राण की दिव्य शक्ति का अनुभव करके इस मंत्र पांच में उस प्राण को नमन किया है। प्राण का प्राण, यहाँ प्रश्न होता है कि क्या ये पत्नी स्वतंत्र हैं या परतंत्र। पत्नी शब्द कहने मात्र से ही वह पति के अधीन पति के साथ रहने पर शोभा को बढ़ाने वाली, पति के रहित होने से दुखी पति ही जिसका उपास्य देवत है, इत्यादि बातें ज्ञात हो जाती हैं। वेद के धर्म में पति के साथ धर्माचरण करने वाली सह धर्मचारिणी ही पत्नी होती है, इसीलिए गंधर्व और अप्सरा उसी नाते से देखने चाहिए। जिस प्रकार पति से शोभा प्राप्त करके पत्नी गृहस्थ कार्य करती है, उसी प्रकार इस छोटे गंधर्व से उसकी अप्सरा स्त्री बल प्राप्त करके
अपने ग्रह के अंदर के सब कामकाज चलाती है। इसीलिए जो सौंदर्य अथवा शोभा धर्मपत्नी की दिखाई देती है वह वास्तव में पति से ही प्राप्त होती है। इसीलिए धर्मपत्नी को किया हुआ नमस्कार धर्मपत्नी के लिए नहीं होता, परंतु वह उसके पति के लिए होता है, क्योंकि पति विरहित विधवा स्त्री को अशुभ समझकर कोई नमस्कार नहीं करती।